मेरी कोई पहले से एक बार बाद में बात कर रहा हूं। इलायची के पापा। अरे करू तू तो एकदम स्कूल की बच्ची लग रही है। और ये ऐसे ये सब है ना इलायची के पापा उस चुड़ैल को उल्लू बनाने के लिए है। हाँ मैं अभी चाय लेके आती हूँ। अरे रुक। सुन अब मुझे चाय की तलब ना रही। अब तो मेरा मन ये कर रहा है कि तुझे यही लेटा के तेरे मुंह में दूध की बोतल दे दूँ बस। अब मुझे तो ये कौन सा है कि कुछ दिन बाद तू कहीं और छोटी बच्ची ना हो जाए तो पता लगा पालने में डाल के तुझे झुला रही हूँ मैं। मम्मी यार जरा पैसे। ओह माय गॉड जरा घूम के तो दिखाना। क्या बात है मम्मी यार आप तो मेरी बड़ी दीदी काइंड ऑफ लग रही हो। अरे इलायची तो क्या मैं इसका बाप काइंड ऑफ लग रहा हूँ। अरे यार पापा देखो मम्मी तो अपनी उम्र से आधी उम्र की लग रही हैं। अब आप दोनों बैठ के मतलब हिसाब किताब कर लूं। इलायची तू भी ना। अरे क्या मैं भी ना झूठ नहीं बोल रही हूँ मतलब देखो कितनी जवान लग रही हो खुद को देखो आईने में। और हसीन तो पहले से थी। सच्ची आंटी जी मैं तो कहती हूँ ना रोज यही स्कूल ड्रेस पहन के घुमा करो इतनी क्यूट लग रही हो बाय गॉड। अरे 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 सुन 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 चल भी मेरी बीवी को बगाड़ मत। इसे बताइए कपड़े क्यों मैंने इसलिए पहने हैं जिससे चुड़ैल को गोली दे सके। अरे जिससे चुड़ैल इसे सुहागन ना समझे समझ रही है। सच्ची क्या बात कर रही हो। मम्मी यार मतलब कमाल ही करते बड़ी स्मार्ट हो। हाँ। मतलब पहली बार आपने प्रूफ किया कि आप मेरी मम्मी मतलब वाकई में। अच्छा सुनो अभी मुझे सुनू को जाना है इसमें चलो जरा पैसे दो जल्दी से जल्दी। और अपने जवानी की दिन याद करो जाओ जल्दी। हाँ। जवानी की दिन याद करो दोनों चलो पैसे दो जल्दी जल्दी जल्दी। अरे पैसे दो आइसक्रीम खा लूं। अरे बाहर चुड़ैल घूम रही है तू कैसी बात कर रही है। अरे यार मुझे कुछ नहीं करेगी मैं सुहागन थोड़ी पैसे दो यार। अरे चुड़ैल तेरे हाथ से आइसक्रीम छीन के ले जाएगी। मैं उसके बाल नोच लूंगी। ले ये उससे बड़ी वाली है सेना जीत सकता मैं। दे दो दे दो। हां दे रहे हो। दे दो। जा भैया तू आइसक्रीम खाए सी। अरे मुझसे भी बड़े वाले हो। अरे तू एकदम स्कूल की बच्ची लग रही है। एक बात कहूं पूछू ए फॉर एप्पल। अरे वाह आता है सर। बी फॉर सी फॉर डी फॉर मेरे तो भाग्य फूट गए। सेठ जी कुछ भी कहो पिंटू भाभी रौनक थी मोहल्ले की। आज सबके मतलब पूरा मोहल्ला उदास है मुरझाए हुए हैं चेहरे। सही कह रहे हो तू बेचारी बड़ी मिलनसार बच्ची थी। क्या बोली तो बच्ची थी। हाँ। अरे बच्ची ना थी सेठ जी इतनी भी तुम कैसी बातें कर रहे हो। यकीन ना है तो छटंकी और पिंकी दरोगा है ना उसको पता है। जी कहाँ से आई एक बात आऊ। हाँ। मैं तेरे गाल पे दूंगा उसके बारे में कुछ बात मत करिए ऐसी उल्टी सीधी। सब बहुत प्यार करते थे इसीलिए तो जो है मोहल्ले में शोक सभा रखी है उसकी। ये तो सेठ जी वक्त वक्त की बात है वरना पूरा मोहल्ला तो ये सोचता था कि एक दिन पिंटू भाभी का मुजरा देखेंगे। शोक सभा की नौबत आ गई। अरे बात कर रहा है बेकार की। मन होता था ऐसा मन मतलब। अरे सुन पहले सब लोग खार खाए बैठे हैं बता रहे हूँ पूरे मोहल्ले वाले एक बार वो चुड़ैल मिल जाए ना तो उसकी ऐसी कुटाई करेंगे कि वो हमेशा याद रखेगी बता रहा हूँ मैं। अरे तो दिल भी तो तोड़े हैं बहुतों के। अरे सबसे पहले तो मैं विजेंद्र की टांग तोड़ना चाह रहा हूँ मुझे तो कली चक हो गया था उस पर लेकिन तू था तक 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 अपने लगा इसलिए मैंने तोड़ दिया चल जा। अरे बातें ना करो मैं कांप रहा था नाटक ना करो सुनो आज जितना तुम ये धुआं भर रहे हो ना बहादुरी मुझे सब पता है कल तुम्हारी तीली न सुलगी सूखे पत्ते की तरह कांप रहे थे मैं साथ ना होता यहीं चित्त हो जाते इतने सूंघ रहे होते मुंह में से। चल बातें कर ले। अब कौन डरा एक मिनट रुको जी कौन डरा रुक जा। कहां से आ रही डंडा तैयार रख। अच्छा।
आ गई तू आज, तेरा इंतजार था। मेरा इंतजार चांदनी चौक की सारी सुहागने कर रही हैं। पिंक आई लाइक पिंक। तो आज कितने दे दूं? बड़े ही बदतमीज आदमी हो, चुड़ैल को रिश्वत देने की बात कर रहे हो। अच्छा, आज बड़ी मासूम चुड़ैल हो रही है, और कल कल 2000 लेते शर्म ना आई सेठ जी से? क्या बकवास कर रही हो? अरे बता रहा हूं मैं, इस पूरी दुनिया में मतलब कोई ना, मतलब चुड़ैल भी ना, हाँ, मुरारी सेठ का पैसा हड़प सकता है, समझ रही है? मैं अंदर तुझे छोड़ूंगा ना। अरे ये पिंकी जी है, यहाँ पिंकी जी बोल रहे हैं। पिंकी जी आप? हाँ, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। हद तेरे की। बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि मिसेस पंचम हम लोगों को छोड़कर चली गई। अब हमारे बीच ना है, इस दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में चली गई है वो। इस दुनिया की लगती कहाँ थी जीजा? अरे वो तो अप्सरा थी भाई। अब मिसेस पंचम को हम वापस तो लाना सकते हैं वहां से, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अपने दिल से मिसेस पंचम को श्रद्धांजलि दें, ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले। तो आप एक एक करके आइए और मिसेस पंचम को श्रद्धांजलि दीजिए। बर्तन पहले तू ही आ जा। सेठ जी पंचम। अबे हाँ वो ही, आ जा जी। पिंटू की शोक सभा पर आने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। समझ नहीं आ रहा कि ऐसी बीवी के बारे में क्या बोलें जो बीवी जैसी थी नहीं। हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारी पिंटू हमारे सिर्फ पत्नी नहीं थी, दोस्त थी हमारी, दोस्त से कहीं बढ़कर। हम अपनी बुबू को बहुत मिस करेंगे। सुना पापा, जीजाजी पिंटू भाभी को पत्नी मानती नहीं थे। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता था जैसे कि उनके अंदर एक अल्लाह शैतान लड़का है, जो हर वक्त बस शरारते करता रहता। पापा सुना, पिंटू भाभी लड़के जैसी लगती थी जीजाजी को। तो सुन लो ना, दिल का गुबार बाहर निकाल रहे। हमारी बुबू छोटी छोटी बातों से तंग हो जाती थी, काफी चिड़चिड़ी स्वभाव की थी और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी। बल्कि कभी कभी हम पे इतना गुस्सा हो जाती थी कि हमें भिन्न भिन्न प्रकार की गालियां देके हमें अपने सारे रिश्तेदारों की याद दिला देती थी। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम रात को सोया कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक बुबू हमारे पिछवाड़े पे लात नहीं मारती है, रात को हमें नींद नहीं आती। बुबू के सारे सपने मिट्टी में मिल। सुना पापा, अरे जीजाजी की नींद तक हराम कर रखी थी पिंटू भाभी ने। सुन रहा हूँ, मैंने कान में दही ना जमा रखी है, सुन तो रहा हूँ। मैं भी सुन रहा हूँ। जाने वाले को कौन रोक सका है भैया, क्या बताए, हमारी तो बहुत पहले से नजर थी पिंटू जी के ऊपर। न जाने हम में से किसकी नजर लग गई इनके ऊपर। खैर देखो भैया, साफ सीधा बता रहा हूँ मैं आप सब लोगों को, ये शादी का घर है, खुशियों के माहौल को बिगाड़ो मैं समझ गए, ज्यादा शौक करने से मनुष्यता जाती है घर में, इसलिए जो भी कुछ बोलना है फटाफट बोलो, निकलो यहाँ से भैया। इलायची संजू, इलायची संजू।
मिलती हूँ। मैं तुझे के बारे में क्या कहूँ? वो मेरी दोस्त ही नहीं थी। बहन जी ऐसी थी। चुप कर। बहनों की तेरी साले। मेरी तो वो दोस्त थी, एक सच्ची दोस्त। छत पर आती थी तो ऐसा लगता था हम हाउस की रात में चांद निकल आया हो। मिट्टू जी की एक मुस्कुराहट मुरझाई फूलों को खिला देती थी। मैं इनसे हमेशा कहा करता था, दोस्ती में नो सॉरी, ओ थैंक यू। आज हमेशा हमेशा के लिए मुझे गुड बाय बोल के चली गई। अरे जीजी, अरे मेरी जीजी चली गई भैया, मेरी भैया अब क्या करेगा भैया, जीजी चली गई। अरे भैया राजेश खन्ना जी संभालिए अपने आप को। अरे कैसे संभालना है सुनीता जी, हमारा दिमाग काम ना कर रहा भैया, मैं जिज्जी से मिलवा दो। राजेश खन्ना जी शांत हो जाइए, पिंटू भाभी हम सबके दिल में है। इलू के बाद ना वो ही मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उनके साथ बिताया हर पल, उनका किया हर फेशियल, उनका किया हर हेयर स्टाइल मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन आप एक वादा करिए राजेश खन्ना जी, आप आते जाते रहेंगे, वो क्या ना आपको देख के पिंटू भाभी की कमी कम करेगी, आप आएंगे ना? आएंगे क्या, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। हैं? अरे सुनीता जी भैया इस बरसाती में ना जिज्जी की जो यादें बसी हैं, तो यहाँ रहेंगे तो हमको ना थोड़ी याद कम आएगी। अरे मेरी जिज्जी भैया, अरे सेठ जी मेरी जिज्जी, अरे भैया चलिए, अरे अरे जिज्जी जिज्जी कहाँ चली गई है? बैठ जा बेटा बैठ, आराम। अरे जिज्जी सुना कितना हो रहा है, पकड़ना हाथ पकड़ना, हाँ ठीक है। मतलब अब पिंटू जी के बारे में पिंकी जी क्या कहे, सारा चांदनी चौक जानता है कि पिंटू जी जो है ये मतलब चांदनी चौक की रोशनी थी एकदम, एक नंबर का मसाला, मतलब गरम मसाला थी वो। सेठ जी जी यहाँ पे भी रसोई खोल के बैठ गया, कुछ लोग खोल के बैठ जाते हैं। मतलब पिंकी जी का कहने का मतलब है कि इनके जाने के बाद पिंकी जी की रसोई एकदम सुनी सुनी हो गई, जैसे पिंकी जी की सारी सब्जियों में से मसाला एकदम चला ही गया। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। आ जाओ। पिंटू भाभी के बारे में मैं क्या बोलूं? पूरे मोहल्ले में ऐसा आइटम, मेरा कहने का ये मतलब हो रहा कि पूरे मोहल्ले में ऐसी औरत ना देखी मैंने। दुकान पे कभी कभी आती थी, ऐसे चलते चलते नजर पड़ी के बस भाभी, कभी कभी मैंने पूछा जलेबी खा लो ना, रबड़ी खा लो ना, कुछ ना खा के गई, पहले चली गई। लेकिन हाँ सेल्फी का बड़ा शौक था भाभी को, जब भी कोई बोल दे भाभी सेल्फी, हाँ हाँ ले लो ले लो, भगवान ने पहले ले लिया, ऊपर खिंचाइयो सेल्फी, ऊपर ही खिंचा लइयो। पापा बोलना। सेठ जी जिस श्रद्धांजलि के टाइम पे क्या पहन के आ गई सेठानी, स्कूल की बच्ची बनने की कोशिश कर रही है ये। कौन सी वाली, प्रौढ़ शिक्षा? अरे नाना इलायची के स्कूल की, ताकि चुड़ैल इसे सुहागन समझ के ना उठा ले जाए, समझ रहे? बुरा ना मानना सेठ जी,
सेठानी को अगर काटो ना अभी, चार निकल आएंगे स्कूल की बच्चियां, एक लहंगा ना दिला सके सफेद कलर का। तू चुप बैठ। पिंटू एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, बल्कि कई बार तो मुझे लगता था कि वो लड़की ही नहीं है, है? मेरी बेटी जैसी थी। अभी भी रसोई में उसके दौड़ने की आवाजें आ रही है, मेरे तो भाग ही फूट गए। पिंटू भाभी के साथ लास्ट वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। हाँ हाँ बो सब कुछ मस्त से हो गया, बस आप सही मौका देखकर पापा से मैं शादी की बात कर लीजिए ना। भाई साहब आप ही मिस्टर पंचम है ना? देखिए भाई साहब मैं जगदीश लॉटरी के वहां से आया हूँ। दरअसल आपकी पत्नी पिंटू जी है ना, हमारे दुकान से उन्होंने सामान खरीदा था तो उनको एक लॉटरी लगी थी जो वो लेना भूल गए थे। एक मिनट, ये देखिए मिसिस पिंटू पंचम के नाम पर ये 21 लाख की गाड़ी लगी है। 21 लाख की गाड़ी? 21 लाख की गाड़ी? भाई साहब ये जो गाड़ी है ना आज शाम तक आपके घर पे पहुंच जाएगी, है आपकी पत्नी के सिग्नेचर लगेंगे जब ये गाड़ी की डिलीवरी होगी तभी। पर हाँ भाई साहब एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी पत्नी को खुद इस गाड़ी की डिलीवरी लेनी पड़ेगी और अभी जो है ना वो आपको 10,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। और क्या है ना कि गाड़ी जो है वो बैंगलोर से आएगी। एक मिनट, 10,000 रुपए क्यों देने पड़ेंगे भाई, गाड़ी तो फ्री में मिली है ना लॉटरी में। अरे भाई साहब अभी गाड़ी बैंगलोर से आएगी तो पेट्रोल भी तो लगेगा। बात सच्ची है? अरे एकदम। तो फिर दिए 10,000 रुपए यार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जी, भाई विश्वास ही नहीं हो रहा यार। मुझे भी नहीं हो रहा। जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, मतलब इस बार तो हमारी किस्मत ने ना बादलों के पार छलांग मारी है यार, सीधा 21 लाख की गाड़ी भाई। अरे सुनो ए जीजाजी, ठंडो भाभी। अरे यार गाड़ी क्लेम करने के लिए पिंटू भाभी को दुकान में जाके सिग्नेचर करने पड़ेंगे। पिंटू भाभी तो गायब है, कहाँ से आएंगी, मतलब नहीं आ सकती पिंटू भाभी। सुनिए तो सही, इलायची जी अगर 21 लाख की गाड़ी का हॉर्न बजेगा ना तो पिंटू क्या पिंटू मतलब किसी को भी स्वर्ग से उतार के सीधा ले आएंगे। इलायची जी गाड़ी चाहिए ना? जी चाहिए ना गाड़ी जी। कुछ समय बाद पापा आपको 50 लाख की गाड़ी दिलाएंगे। यार ये हमारे बने बनाए प्लान पे ना लालच की लार मत टपको प्लीज। एक सेकंड रुकिए आप इलायची जी, ये क्या बोल रही हैं आप? हमें सेठ जी से 1 रुपया नहीं चाहिए, हम अपने बलबूते पे आए थे दृढ़ निश्चय के साथ दिल्ली में। इलायची जी हम पिंटू भाभी का सोच नहीं है ना फ्यूचर में, बैठो यार गाड़ी में। अरे यार चुप, की बात सुनिए। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मौका बार बार नहीं मिलेगा हमें, अभी बहुत मुश्किल से गायब हुए हैं पिंटू भाभी, बार बार नहीं गायब हो सकते, मतलब प्लीज समझिए, रोक दीजिए, सही नहीं कर रहे आप प्लीज। हाँ भाई साहब तो क्या सोचा आपने, और आपकी पत्नी कहाँ है पिंटू जी? हम बताते हैं, वो दरअसल क्या है कि हम सभी लोग छुपन छुपाई खेल रहे हैं और अभी उनकी डेन है, और क्या है कि उन्हें पता नहीं हम यहाँ पर तीनों आके गोलगप्पे खा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं हुए यहाँ तक पहुंचे ही नहीं, वो अभी भी हमें ढूंढ ही रही है। आती होंगी अभी, मिलवा दो 10 मिनट रुकेंगे। भाई साहब क्या है ना थोड़ा जल्दी कीजिए, ये जो गाड़ी है ना मेरा मतलब है मुझे और भी गाड़ियाँ और भी लोगों को देने जाना है। अरे यार और लोगों की मारो गोली, तुम चलो ये पकड़ो खड़े खड़े एकदम 10,000 की गड्डी और ले आओ जल्दी से हमारी गड्डी, है ना। साले फटीचर इतने पैसे कहां से आए तेरे पास? अबे साले तुझे पता नहीं इतने दिन से दीदी बना, दीदी वाले काम ना करूंगा बेटा, जो सब्जी लेने जाता हूँ 10-5 रुपए इधर उधर हेरा फेरी करके बचाए मैंने इकट्ठे किए जी, और देख आज काम आए ना आए। गिल्लो भैया गिल्लो चूरे गिल्लिए। अरे भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, ये जो गाड़ी है ना शाम तक आपके घर पे पहुंच जाएगी, है बस भाभी जी को कहिएगा कि आरती लेकर तैयार रहे, है चलता हूँ। जी 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 ये ठीक नहीं किया आपने, क्या कर दिया, क्यों किया आपने ये सब? इलायची जी आप समझ क्यों नहीं रही है, क्या हो गया है आपको, आप थोड़ा सा दिमाग तो लगाइए, अगर हमें ये गाड़ी मिल गई हम अमीर हो जाएंगे, और अगर हम अमीर हो जाएंगे तो क्या होगा उससे, क्या होगा? इलायची जी हम सेठ जी से आपका हाथ मांग सकते हैं बिल्कुल आसानी से, समझ रही हैं आप? हमें पता है आप समझ रही हैं। चल पिंटू पिंटू भाभी को वापस लेके आए। सुनीता जी आप ना तैयारी करो गाड़ी में बैठने की, हम अभी जाते हैं गाड़ी लेके। ओके इलायची जी
लाइफ में टंटे हो रखे हैं।